सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई हम जींद में मौजूद हाँ, जो कि राजनीति का भूकंप का केंद्र बिंदु है और किसी भी ढाल की उठा पटक खतर जींद की धरती जो है सबसे ज्यादा निरव है। तो जींद में एक तरफ कैमरा मैन दिखूंगा सामने से दिखा दे रहे हैं। मैं जो है फिलहाल जो है कर्फ्यू के हालात हैं और एक तरफ जिस तरह हम देखोगे पुलिस प्रशासन की जब बात करें कैमरा मैन दिखाऊंगा दिखा हुआ है किस तरह जो है पुलिस है पूरी तरह मुस्तैद है और एक अफवाह फैली आज की डेट में एक अफवाह फैली भाई जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वह कितन कितने चुपके चुपके जींद की धरती पर आवेंगे। तो तम भाई ध्यान से देखो ये है जींद की स्कीम नंबर 6 और जो न्यून मेरे सामने देखोगे ये देखो ये लठा गते लाए खड़े हैं पुलिस वाले और वो है न्यून गुवाणा रोड जिसको कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इब सारा का सारा जो लोड है वो सफेदो रोड पर पड़ गया दिखाऊंगे धरती इस जो यू कंटेनमेंट जोन घोषित कराया उसके बाद क्या क्या तो फर्क आया है पुलिस की मुस्तैदी क्यों कर बड़ी। हमारे दर्शक ने राम राम कर दिया जी। किसे लठ पिना रहे हो? ना लठ क्या ना पिना रहे ड्यूटी कर रहे हैं ड्यूटी कर रहे हो तो क्या प्रोटोकॉल बना रखा है? ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया इधर से बंद कर रखा है सैनिटाइज करेंगे। अच्छा सैनिटाइज करो के कारण मतलब इतनी नौबत क्यों आई? बढ़ता है कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया प्रशासन की। अच्छा चुपके चुपके न्यू भी सुनने मारी थी एक भाई जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री है मान लिए मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ कहते चुपके चुपके कोई दौरा करेंगे इस बारे में हमें कोई पता नहीं। अच्छा अफवाहों का बाजार गर्म है। हाँ हो सकता है हो सकता है। तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो गाड़ी में बैठ लें और तारती पूरा दिखावेंगे शहर का नज़ारा और कैमरा मैन तीन पर दिखा हुआ है किस तरह पुलिस ने मशक्कत करनी पड़ रही है ट्रैफिक को जो ट्रैफिक का रूट है वो डाइवर्ट करने के लिए जो है जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद है और न्यून की जो आवाजाही है उसके ऊपर पूरी तरह रोक है। तो जो पुलिस प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको जो है कंटेनमेंट जोन है जो इसको पूरे को सैनिटाइज कर पहुँचाएंगे क्योंकि न्यू भी सुनने मारी है कि जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वह कितने कितने जो है आड़े पहुँचने की उनकी प्लानिंग है। ठीक है जी राम राम जी। तो बने रहो भाई और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो। तो इस टाइम शाम ही कैमरा मैन दिखूँगा पुलिस की जो मुस्तैदी है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रखी है और गुहाना रोड जो है वो पूरी तरह सील कर दिया गया है। तो तुम देख सको हो किस तरह जो है पुलिस के जवान। हाँ जी राम राम कर दो जी मार्ग दर्शक। राम राम जी राम राम। और जी पवन जी क्या नाम आपका? पवन कुमार। अच्छा पवन जी किस तरह के मामला है इतनी सख्ती क्या तक कर दी? कंटेन जोन बना रखा है ये यहाँ से रानी तालाब से लेकर। अच्छा जी। और गुहाना रोड तो जो मौत का जो आंकड़ा है उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको? मौत का आंकड़ा रोजाना आते हैं केस बढ़ रहे हैं लगातार केस बढ़ रहे हैं। अच्छा पवन जी न्यू भी अफवाह एक और फैल रही है बाजार में न्यू कहे भाई मनोहर लाल खट्टर चुपके चुपके जींद में आऊंगा कुछ इस तरह की बात चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है हम तो उसकी पड़ताल अफवाह की पुष्टि के लिए पहुंचे आप लोगों के पास कंटेनमेंट जोन की वजह से। कंटेनमेंट जोन ई भाग का के कार्रवाई करोगे आगे भी? बस सरकार की दात है जो अफसर आदेश देंगे वैसे कार्रवाई करते रहेंगे जो भी ऊपर से निर्देश होंगे उसके आधार पे। तो आम जन है उसका रूट डाइवर्ट करने में कितनी चुनौती आ रही है आपको? मेहनत तो करनी पड़ती है मानते हैं लोग आसानी तक लठ लूट मारने पड़े ना ऐसी कोई बात नहीं प्यार से मान जाते हैं। धन्यवाद जी। तो कैमरा मैन दिखूंगा भाई आज और सीट पर आगे के और दृश्य दिखाओगे तुमने और कोरोना संकट काल का जो बढ़ता जो प्रभाव है उसका जो असर है वो तो हमने देखने मिल रहा है और फिलहाल जो है लाइव तस्वीरें तम ये देखो पुलिस के जो जवान हैं राम राम भाई जी राम राम जी और ठीक हो जी ये इतने ठाटे ठाटे पुलिस वाले हैं राम राम करते जी मार्ग राम राम जी। एक बात आपका तो कोरोना भी डरता होगा या उल्लंघन करने वाले कोरोना का उल्लंघन तो करने में खड़े हैं कोरोना उल्लंघन नहीं होने देंगे बिल्कुल बताएंगे सुरक्षित रखेंगे सबने जब तक हो सकेगा और आगे भगवान की मर्जी। तो फिलहाल तो हम देखो भाई यू है गुहाना रोड और गुहाना रोड पूरा का पूरा सुनना है तो हम देख सको हो ये न्यून कैमरा मैन दिखूंगा पर न्यून के दृश्य दिखावे ये पूरा का पूरा जो गुहाना रोड है और पूरा का पूरा गुहाना रोड सुनना है इक्का दुक्का वाहन है जो वो तो हमने देखने में मिलेगा नहीं तो ज़्यादातर जो है पूरा का पूरा जो जींद का जो गुहाना रोड है
वो कंटेनमेंट जोन घोषित करने की वजह से पूरा का पूरा सुनसान सब। तो भाई जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, याना श्याना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो। तो हालात काफी जो है नाजुक है, नाजुक हालात से जो है गुजरने लग रहे हैं फिलहाल हम, और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। तो हम ये देखो, ये देखने लग रहे हो, मैं कैमरा मैन को आगे दिखाया जूम करके, किस तरह जो है बैरिकेटिंग कर रखी है, और पुलिस के जो जवान हैं वो एक जना तो घाम में खड़ा है, राम राम जी, अरे एक जना छा में खड़ा है, बदल दे रहे हो गए जगह। राम राम करते जी मारे दर्शकों, मैं एक जना घाम में खड़ा, एक जना छा में, जगह बदल दे रही हो ठीक है। तो भाई तुम देख सको पुलिस जो है वो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, और कंटेनमेंट जोन घोषित कराया गया है, और ये सैनिटाइज कराया जाने लग रहा है पूरे इस गोहाना रोड को। ये तस्वीर जो है वो देखने वाली तस्वीर है, थोड़ा सा तुमने और नजदीक तो दिखावांगे। ये पूरा का पूरा जो गोहाना रोड है इसको सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि कोरोना का जो आक्रामक रूप है उसके कारण जो है पूरे शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो ये पुलिस प्रशासन पर और पूछेंगे अभी इस प्रक्रिया को कितना आगे पाछे के बढ़ाया जाओगा, और एहतियात के तौर पर किस तरह की जो है तैयारी करी गई है पुलिस प्रशासन की, किस ढंग की तैयारी है। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो रानी तालाब पर हम पहुँच गए हैं, और पुलिस के जो जवान हैं वह मौके पर मौजूद हैं। इक्का दुक्का वाहन हालांकि निकल रहा है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। राम राम जी। और जी सर कैसे हो जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दे जी। पानी भाजी धन्यवाद जी, शुक्रिया। के इसको आगे किस तक लेके जा जाओगा जी, किस तरह की मामला है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ जी। नमस्कार जी सर, और जी कैसे हो जी? बढ़िया जी। सोमवीर जी, मतलब जो तैयारी है पुलिस प्रशासन की कोरोना संकट काल दोबारा डबल पावर के साथ उल्टा लौटा है, किस तरह की तैयारी है और क्या होगा आगे? मतलब अब ये रानी तालाब से लेकर और अपना गाँव नाका तक कंटेनमेंट जोन बना गया है। अच्छा जी। और इसमें आम पब्लिक का आवागमन बंद है, और इसको सैनिटाइज किया जा रहा है जी जी जी। और मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं, इसमें आम जनमानस का जाना मना है, कोई इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। अच्छा सोमवीर जी, एक सबसे बड़ी अफवाह फैल रही है आज मार्केट में, यूँ कहें भी माननीय जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुपके चुपके आओगे जींद में, कुछ इस तरह की तैयारी भी है? अब ये इस प्रकार की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये जो सारा है सुरक्षा के लिए है, कोरोना से बचाव के लिए प्रयास जी, हाँ ये सारा मैनेजमेंट कोरोना के बचाव के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी। अच्छा अच्छा, तो अगला कदम क्या होगा? ये जो कर्फ्यू जिसे जो हालात बन रहे हैं ये कब तक है, इसकी कोई टाइम लिमिट क्या रखी गई है? इसका जो कंटेनमेंट जोन बना है जहाँ पे केस और डेथ रेट ज्यादा बढ़ रही है उसी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है जी, जो अपने डीसी साहब के आदेश से जो किया जा रहा है उनके संज्ञान में लाकर आगे की कार्रवाई हो रही है। तो डाका साहब फिलहाल जो एवरेज चल रही है, जैसे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ने लग रहा है, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो पिछले जो बीते जो 24 घंटे हैं उसमें लगातार जो है ना बहुत आंकड़ा बढ़ने लग रहा है, मौत का आंकड़ा भी और संक्रमण का भी, सैकड़ों यानी कि लगभग 95 मौत हो गई हैं कोरोना से संक्रमित होने के कारण। क्या कहना चाहोगे बचाव खतर, कुछ अपनी तरफ से अपील? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनसमानों से ही अपील करूँगा भाई, गैर जरूरी कामों के लिए घर से ना निकले जी, और निकले तो अपना मास्क जरूर रखें और सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखें, और इसी में आप सबकी भलाई है, आप खुद सुरक्षित रहें तो पूरा समाज सुरक्षित रहे। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ मास्क का जो चलान है उसके रेट भी बढ़ा दिए सुनिए? नहीं नहीं ऐसी रेट वाली कोई बात, रेट वही है, रेट वही। चलो मतलब इसी नौबत ना हो चलान काटना पड़े किसी का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई तुम देखने लग रहे हो पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं, सोमवीर डाका जी मार्गे इस टाइम जुड़े, जिनने बताया कि पूरे जो ये गोहाना रोड है पूरा का पूरा इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कराया गया है, और जिसको सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है, आवाजाही के ऊपर पूरी तरह रोक है, इक्का दुक्का वाहन है जो वो अलग बात है, किसी न किसी तरह गलियां में लिगड़े हुए हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो है कर्फ्यू जैसे हालात तुमने देखने मिल रहे हैं। तो दूसरी बात यह थी कि कुछ अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म था, और न्यूकवें थे अग भाई जो मनोहर लाल खट्टर हैं मुख्यमंत्री जी वह कितने कितने जो है जींद में आओगे, लेकिन इस तरह की अफवाहों की हमने पुष्टि कर ली आपने लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो ने जी लाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी गोहाना रोड की जो मार्केट है वो बंद है,
इक्का दुक्का वाहन जो गली गुली गली कुचम रहने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर उनकी आवाजाही जो है वो देखने मिल रही है। दूसरी तरफ सफीदो रोड की जब बात करें तो सफीदो रोड के ऊपर जो है इसका आड़े कंटेनमेंट जोन बनने की वजह से सफीदो रोड पर इसका पूरा का पूरा प्रेशर जो है ट्रैफिक का इस टाइम देखने मिलेगा और पूरा का पूरा जाम की स्थिति है। तो भाई फिर कहेंगे सावधानी जरूरी है, बचाव जरूरी है, क्योंकि केवल कुछ लोग न्यू भी कह दें कि कोरोना तो कोरी अफवाह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कितने कितने कुछ ना कुछ बारह बिघा में दाना है, कुछ तंत्र है, जीबे जो है इस तरह का वैश्विक स्तर पर मामला है। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग का दर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान। और देखो भाई न्यूनता वो महिला थी को उस पर सिक्योरिटी पर दीवा भी उल्टी बढ़ा दी ने। तो खैर कर दो भाई जी ला के शेयर कर दो वीडियो ने, शेयरिंग का दर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CVH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना, ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए CVH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CVH मसाले, स्वाद अनोखा बात अनोखी।